हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि यह वचन के अंदर विश्वास को बढ़ाएगा। बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि अरे, हमारे विरुद्ध तो इतना बड़ा जुल्म हो चुका है, इतना बड़ा अन्याय हो, और हम उसके बारे में जब परमेश्वर को मांगते हैं कि परमेश्वर आप कुछ कीजिए, तब वो बातें होती है कि हम परमेश्वर को एक एक के ऊपर ये मांगते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर उनको किसी तरह से दबोच दे, जैसा नूह के समय परमेश्वर ने किया था कि वह पूरी तरह से पानी की बाढ़ में सारे लोगों को डुबो दिए थे। यह परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह के ऊपर भी हम देख पाते हैं। जब मनुष्य के पाप को परमेश्वर ने ताड़ना देना, उसकी सजा देने के लिए मन में क्रोध रखा था, तब यीशु के ऊपर वो सारा जो उसके ऊपर जख्म हुआ, जो उसके कोड़े खाए, उसके ऊपर कोड़े लगाए गए, उसके कीले टोके गए, ये सारा परमेश्वर का क्रोध हम देख पाते हैं यीशु के ऊपर उतर रहा था। और उसने ऐसा कह दिया था कि हे पिता, तुमने मुझसे मुंह क्यों फेर दिया। तो ये बात होती है क्रोध के बारे में। तो क्रोध जब परमेश्वर का निकलता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मनुष्य हो, और तुम्हारी जो दुष्टताएं हैं उसे देखकर अगर मैं क्रोध करूंगा तो तुम मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे। ये उसके बारे में ये कहना है कि मनुष्य उसके क्रोध के सामने टिक नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने वादा किया है कि अब जब वो बाढ़ के अंदर सारे मनुष्य को और सारी सृष्टि को डुबो दिया था नूह के समय में, उस वक्त उसने यह एक वादा किया था कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और परमेश्वर विलंब से अब क्रोध करता है, वो मंद क्रोधी है। अब हम अगर परमेश्वर को जानते हैं तो वो मंद क्रोधी है, उसे बहुत समय लगता है किसी के ऊपर अपना क्रोध लेकर आने के लिए। और वो जो दुष्टता करते हैं उनको ऐसा लगता है कि मानो कि कोई उनके दुष्टता को अटकाने वाला नहीं है, वो बस करते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मंद क्रोधी हो चुका है, वो क्रोध को उनके ऊपर नहीं लाना चाहता है। और जब तक हो सकता है परमेश्वर उनको समय देता है कि वह मन के परिवर्तन को करे, लेकिन जब मनुष्य अपनी दुष्टताओं में बढ़ता ही जाता है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास और बल मजबूत बन जाता है। जब आत्मविश्वास का बल उनके अंदर आता है तब वो ऐसा सोचते हैं कि अभी एक इंसान को अगर हमने दुष्टताओं में पूरी तरह से चपेट कर दिया है तो निश्चित ही उसके दूसरे पल में दूसरे इंसान को भी ऐसे ही ताकत से हम चपेट कर देंगे। और ये उसका विश्वास बन चुका होता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे दुष्टता करने वालों की ताकतों पर हंसता है। वो इसीलिए हंसता है क्योंकि वो दुष्टता करते समय ऐसा सोचता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है और मैं आगे बढ़ता ही जाऊंगा। और जब विश्वासियों की बात आती है तो मैं एक वचन के द्वारा उसके बारे में बोलना चाहूंगी जो न्याय की किताब है। न्याय की किताब में अध्याय 21 में गिदिया नाम का एक जो जगह था उसके अंदर एक बात घटी थी जो इसराइलों के बीच हुई थी। और वह इतना ही जटिल ऐसा गुनाह उन्होंने किया था, और बंजामिन के जो जाति थी उनके बीच यह बात हो गई थी। तो बंजामिन के ऊपर बाकी इजराइल जातियां युद्ध करने के लिए निकली, क्योंकि उनको परमेश्वर से न्याय चाहिए था। उन्हीं की जाति में से उन्हीं के भाई बंधु ने कुछ ऐसा गुनाह कर दिया था जो बेरहम था, जो परमेश्वर के जाति कहलाने से उसके अंदर ऐसा गुनाह पाना एक बेरहम की बात ऐसी थी। इसके कारण से उन्होंने परमेश्वर को
दुआ दुआ किया कि अब बताइए हम क्या करें इसके बारे में, हम लड़ाई करने के लिए जाए या ना जाए। तो परमेश्वर ने उनको लड़ाई के लिए आज्ञा दी और वह निकल चुके लड़ाई के लिए। अपने ही भाई के विरोध में वह लड़ाई के लिए निकल गए। लेकिन अलग प्रकार की जाति भी जुड़ी हुई थी जो परमेश्वर के विरोध वाली थी, उनके समर्थ को भी बंजामिन ने अपने साथ ले लिया और इसराइलों के बाकी जातियों के साथ वहां पर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। और बंजामिन ने उस अलग जाति के संगति में होकर ऐसी लड़ाई की कि इसराइल जो परमेश्वर की जाति है उनको हरा दिया। और इसराइल की वो जाति हार कर दोबारा लौट के आई और परमेश्वर से पूछने लगी, परमेश्वर अब दूसरा दिन है, क्या हम फिर चढ़ाई करने जाएं? तो परमेश्वर ने उनको कहा, जाइए। अब ये तो पहली बार ऐसे हो चुका था कि बंजामिन के हाथों से इसराइल की इतनी बड़ी जाति हार गई थी, लेकिन फिर भी दूसरी बार परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके वो चले गए। और दोबारा बंजामिन और उसके साथ जो अलग जाति थी उन दोनों ने मिलकर दोबारा इसराइल की जाति के ऊपर आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और वह हार गई, इसराइल जाति हार गए। फिर लौट कर आ गए और फिर पूछने लगे परमेश्वर से, अब तीसरा दिन है परमेश्वर, आप क्या कहते हैं, क्या अब भी हम जाए? यहाँ तो हमारे ही भाई हमारे लोगों को मार रहे हैं, भाई भाई को मारता जा रहा है, क्या आप चाहते हैं अब तीसरी बार भी हम जाए और हार कर आएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ, लेकिन इस बार मैं शत्रु को तुम्हारे हाथ में दूंगा। यह बात मैं आपको इस वचन में से सिखाना चाहती हूँ। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप बताइए इस दुष्टता के विरोध हम क्या करें, हम इस दुष्टता को रोकते हुए पाना चाहते हैं, हम दुष्टता को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उस दुष्टता के लिए आपके द्वारा कुछ कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन दोबारा ऐसा हो जाता है कि दुष्टता हम पर प्रबल हो जाती है और हम पीछे आ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमने तो प्रार्थना की थी और फिर ऐसा क्यों, और हमने तो प्रार्थना करके मांगा था फिर ऐसा क्यों। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसराइल की जातियों के लोग बंजामिन के हाथों मारे गए थे, जबकि वे लोग परमेश्वर की अगुवाई से होकर आए थे, परमेश्वर की चेतावनियों को लेकर आए थे, फिर भी वह इस तरह से बंजामिन लोगों ने उनको हरा दिया था। लेकिन परमेश्वर ने मौका रखा था दुष्ट को गिरने के लिए। हम भी जब दुष्टता को बढ़ते हुए देखते हैं, हमारे ऊपर सफल होते हुए देखते हैं, तो हमको विश्वास नहीं छोड़ना है, हमको ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा तो बस वह तो दुष्ट के ऊपर भी अपनी दया को देता है, वह सूरज को उगाता है दुष्ट पर भी और धर्मी पर भी, वो सारे मौसम के आशीष दुष्ट को भी देता है और धर्मी को भी देता है, तो हमारे लिए वह दुष्ट के साथ लड़ाई नहीं करेगा। हम ऐसा सोचकर हार जाते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि परमेश्वर ने तीसरे बार उसी इसराइल जाति को कहा, अब जाइए, इस समय शत्रु को मैं तुम्हारे हाथों में दूंगा। अब ये बात हो गई कि वो लोग दोबारा गए और दोबारा बार तो बंजामिन जाने लगे जाति को, और खुश पहली बार तो हमने हरा दिया है, दूसरी बार भी हमने ऐसे किया है, तो अब ये तीसरी बार भी ऐसा ही होने वाला है। और वो खुश होकर अपना लड़ाई को जीतने का सारा इंतजाम देख रहे थे। लेकिन यह बात हुई कि अचानक से पलट कर देखने के बाद पता चला कि उनके गांव में से ऊपर आकाश की ओर धुआं उठ रहा है, यानी कोई घर जला रहा है। और वह हैरान हो गए, परेशान हो गए कि यहाँ तो हम खड़े हैं, यहाँ युद्ध
में तो हम जीत रहे हैं, लेकिन हमारे हाथों से छूटकर शत्रु हमारे गांव तक कैसे चला गया और वह समझ नहीं पाए। और जब वह गड़बड़ी में फंसे हुए थे, उसी समय परमेश्वर के सामर्थ में कार्य किया हुआ जो धुआं था जला रहा था गांव को, उस समय इसराइल लोगों को उनकी गड़बड़ियों को देखकर फायदा उठाना आसान हो गया और जल्दी से उन्होंने वह बंजामिनी और अन्य जाति से लोग उनके विरुद्ध खड़े थे उनको मार गिराना शुरू कर दिया, उनको हराना शुरू कर दिया, उनको तितर बितर कर दिया, उनको दौड़ा दिया। वो पहाड़ों की तरफ, कहीं जंगल की ओर, ऐसे गाँव की ओर भागने लगे। तो ये बात है, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए कार्य करने वाला है, कर रहा है, तो हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर विश्वास योद्धा उठकर अपने कार्य में सफल होता हुआ हम देख रहे होंगे, तो भी हमें यह विश्वास रखना है उसका गिरने का समय कौन सा होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, यह केवल परमेश्वर को ही पता है। वह इस तरह का होता है कि वह सामने जो सुबह के समय तरफ ताजगी से उगता हुआ घास होता है और उसके बाद जब सूरज ऊपर आने लगता है, ठीक धूप कड़ी होने लगती है, तो उसमें वो रुक नहीं पाता है, वो जलकर अपने जीवन में नाश हो जाता है। तो ये होता है दुष्टताओं का। हर प्रकार से लोग सोचते हैं कि दुष्टताओं के सामर्थ्य में वह कोई जोर कर सकते हैं, कोई अत्याचार कर सकते हैं, कोई, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उनका अंत निश्चित हो चुका है। आमीन। उनका अंत निश्चित हो चुका है। तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और उनका जो ऊपर विश्वास करके वो हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, वह एक दिन उनको धोखा देने वाला है, वो धोखे वाला है, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन।